हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। आप लोग को पिछले वीडियो में देखा होगा कि क्लास 10 का फिजिक्स किरण पुंज तक पढ़ाया गया था। आज उसी के आगे वीडियो को बढ़ाया जा रहा है, पॉइंट को आगे दिखाया गया है, उसको आप बारी बारी से नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? किरण पुंज के तीन प्रकार होता है। पहला का नाम है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज, तीसरा का नाम है समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे में लेजर लाइट। लेजर लाइट क्या होता है कि चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर अभिसरित करती हुई प्रतीत होती है। दूसरा सेकेंड नंबर है, उसी चीज़ के बारे में बताया गया है, वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला जो दूसरा प्रकार है, अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे जनरली हम लोग जो लाइट इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होती है, वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे में इसका एक फिगर दिखाया गया है जो एक बिंदु से चारों दिशाओं में प्रकाश फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का पार्ट तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का डिफिनेशन होता है, वैसा किरण पुंज जो एक किरण दूसरे किरण के समांतर गुजरती है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इसका फिगर भी दिखाया गया है, ध्यान देना। प्रकाश को पार करने के लिए वस्तु की जरूरत होती है, उस वस्तु को, पहला वस्तु का नाम है पारदर्शी वस्तु, दूसरा का नाम है अपारदर्शी वस्तु और तीसरा का नाम है पारभर्षी वस्तुएं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि प्राकृतिक में कुछ ऐसे वस्तु हैं जिससे प्रकाश पार होता है, जिससे प्रकाश ना पार होता है, और कुछ प्रकाश आर पार होता है और कुछ प्रकाश वापस लौट आता है उसी माध्यम में। उसी के आधार पर वस्तु को डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है पारदर्शी वस्तु, दूसरा का नाम है अपारदर्शी वस्तु और तीसरा का नाम है पारभाषी वस्तु। बारी बारी से जानेंगे पारदर्शी वस्तु क्या है, पारदर्शी वस्तु का डिफिनेशन क्या होता है, पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं, इसका डिफाइन क्या गया है, वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ भाग, ध्यान देगा पारदर्शी वस्तुएं का परिभाषा होगा, वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे समान कांच, वायु, हवा, पानी इत्यादि। आगे है उसी चीज़ के बारे में यहाँ दिखाया गया है, वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। दूसरा सेकेंड नंबर आता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु कहने का मतलब हुआ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। उसका डिफिनेशन होता है, वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। उसी का डिफिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है, वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बारीकी से अपना नोट्स कॉपी बनाते चलिएगा। आगे है पारभाषी वस्तुएं। पारभाषी वस्तुएं कहते किससे हैं,
इससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है परंतु शेष भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसे पारवर्षी वस्तु कहा जाता है। अर्थात वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है परंतु शेष भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल होता है, तेल से भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। जैसे भी यहाँ ध्यान देना, पारभासी वस्तुएं का डिफिनेशन दिया हुआ है, वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाता है और शेष भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है, तेल से भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। इन पॉइंटों को आप एक जगह कॉपी में नोट्स बनाकर चलते जाएंगे, जो आगे का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बिहार बोर्ड के लिए यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद। बस।